14 या 15 नवंबर इस साल कब है भाई दूज? डेट को लेकर है असमंजस, तो यहाँ जाने सही तारीख। दिवाली के दो दिन बाद यानी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है। रक्षाबंधन की तरह यह पर्व भी भाई बहन के लिए बेहद खास होता है। इस पर्व को भैया दूज, भाई टीका, यम द्वितीया भी कहा जाता है। भाई दूज के दिन भाई को तिलक लगाने का सबसे अधिक महत्व होता है। इस दिन बहनें रोली और अक्षत से भाई का टीका करती है और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। यह प्रथा सदियों पुरानी है। कहा जाता है कि इस दिन यदि विधि विधान से पूजा की जाए तो जीवन भर यम का भय नहीं सताता और भाई बहनों की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। इस साल भाई दूज का सही तिथि को लेकर लोगों ने असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में चलिए जानते हैं इस साल भाई दूज का पर्व कब है और इस दिन भाई को टीका लगाने का महत्व क्या है। इस साल भाई दूज का त्यौहार दो दिन यानी 14 और 15 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल तृतीया तिथि की शुरुआत 14 नवंबर 2023 को दोपहर 2:36 से शुरू हो रही है। इसका समापन 15 नवंबर 2023 को दोपहर 1:47 पर होगा। पंचांग के अनुसार भाई दूज का पूजा का समय 14 नवंबर 2023 को दोपहर 1:10 से दोपहर 3:19 तक रहेगा। इस दिन भाई दूज पर शोभन योग भी बन रहा है, जिसे शुभ फलदायी माना गया है। हिंदू धर्म में कोई भी त्यौहार उदया तिथि पर ही मनाया जाता है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार भाई दूज का पर्व 15 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। इस दिन भाई को टीका करने के लिए शुभ मुहूर्त 10:45 से 12:05 तक है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन यम अपनी बहन यमुना के घर भोजन करने गए थे। ऐसे में भाइयों को अपनी बहन के ससुराल जाना चाहिए। वहीं कुंवारी लड़कियां घर पर ही भाई का तिलक करें। भाई दूज के दिन सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करते हुए पूजा अवश्य करनी चाहिए। वहीं भाई का तिलक करने के लिए पहले थाली तैयार करें, उसमें रोली, अक्षत और गोला रखें। तत्पश्चात भाई का तिलक करें और गोला भाई को दें। फिर प्रेम पूर्वक भाई को मनपसंद का भोजन करवाएं। उसके बाद भाई अपनी बहन से आशीर्वाद लें और उन्हें भेंट स्वरूप कुछ उपहार दें। हिंदू धर्म में भाई दूज के पर्व को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि ये पर्व भाइयों और बहनों के बीच के प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। भाई दूज पर बहनें अपने भाई के माथे पर हल्दी और रोली का तिलक लगाती है। ऐसी मान्यता है यदि भाई बहन यमुना नदी के किनारे बैठकर भोजन करते हैं तो जीवन में समृद्धि आती है। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।